सब्सक्राइब कीजिए सुमित ऑनलाइन क्लासेस को और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। सुमित ऑनलाइन क्लासेस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 40। बैट और बॉल दो पार्टनर हैं और ये प्रॉफिट जो शेयर करते हैं वो दो तीन रेशो में शेयर करते हैं। कैपिटल दो लगा रखे है बैट ने, वो लगा रखे है 1,20,000 और बॉल ने कितना लगा रखे है 60,000। कहता है 1 अक्टूबर 2015 को बैट और बॉल क्या डिसाइड करते हैं कि हम लोन देंगे बिजनेस को। बैट कितने का देगा? 2,40,000 का, और जो बॉल है वो कितने का देगी? 1,20,000 का, रिस्पेक्टिवली फर्म को देंगे ये। कहता है द लॉस ऑफ द फर्म फॉर द 31 मार्च 2016 बिफोर इंटरेस्ट ये कितना है? 9,000। तो डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखाओ प्रॉफिट एंड लॉस का। तो क्वेश्चन कहता है कि बैट और बॉल पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 है और पैसा इन्होंने कैपिटल लगा रखे 1,20,000 और 60,000 और 1 अक्टूबर 2015 को ग्रांट करते हैं, लोन देते हैं। कौन देते हैं ये? बैट और बॉल दोनों देते हैं और ये देना पड़ेगा इंटरेस्ट, चाहे बिजनेस को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, क्योंकि लोन है ये और लोन के ऊपर कोई रेट डिफाइन नहीं है। तो हम क्या दे देंगे? 6% दे देंगे। क्वेश्चन कहता है कि इस साल हमारे को पहले ही कंपनी को लॉस हो गया, मतलब फर्म को क्या हो गया? पहले ही लॉस हो गया। कितने का हो गया? ये 9,000 का। एक तो ये लॉस है और ये भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है जी, तो देख लेते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। ठीक है, ये है जी क्वेश्चन। ठीक है, ये बिजनेस कब स्टार्ट हुआ? 1 अप्रैल को। ठीक है, और अक्टूबर में, 1 अक्टूबर में क्या दे दिया गया? लोन दे दिया गया। और एंड कब हुआ? 31 मार्च को। तो ये कितने टाइम बच गया? 6 मंथ। तो लोन के ऊपर जो तो इंटरेस्ट दिया जाएगा वो कितने मंथ का दिया जाएगा? 6 मंथ का। तो किसको दिया जाएगा ये? बैट को और बॉल को। ठीक है, बॉल को और बैट को। ठीक है, तो बैट को कितना दिया जाएगा? बैट ने लोन कितना दिया हमारे को? 2,40,000। कितना महीने का देंगे? 6/12, 6 महीने का। किस रेट से? दिया नहीं है, गिवन नहीं है, तो 6% से ले लेंगे। बॉल ने कितने का दिया? 1,20,000 का। बॉल ने दिया है 1,20,000 का। ठीक है, और किस रेट से? 6/12 का, 6 मंथ का, और 6/100, 6। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 6 से 6 दूनी 12, 2 तीये 6, 6 दूनी 12 और 2 तीये 6। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ कितना बच गया? यहाँ बच गया हमारे पास 2,400। कितना बच गया? 2,400। 2,400 कितने से करोगे? 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 7,200। तो फर्स्ट का कितना आ जाएगा? 7,200। अगर बी की बात करें, बी केस की, तो यहाँ कितना हमारे पास है? 1,200 बच गया, और 1,200 कितने से करोगे? 3 से, तो कितना आ जाएगा? 3,600। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 7,200 और 3,600, ये इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और हमारे पास ऑलरेडी कितने का लॉस हो रहा है? 9,000 का। तो हम क्या लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि इंटरेस्ट हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से देना पड़ता है, ना कि अप्रोप्रिएशन से। ये किसका एज ए चार्ज पार्ट, और चार्ज कहाँ किया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस में, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये हमारे को इस साइड आता है बाय ग्रोस प्रॉफिट, लेकिन ग्रोस प्रॉफिट तो है नहीं, यहाँ पर है टू ग्रोस लॉस। कितने का लॉस है? ग्रोस लॉस ये हमारे पास है 9,000 का। ठीक है, उसके बाद क्या दे देंगे? टू इंटरेस्ट ऑन लोन। लोन के ऊपर इंटरेस्ट कितना देंगे हम? एक तो किसको देंगे? बैट को, और एक किसको देंगे? बॉल को देंगे। ठीक है, कितना देंगे? एक को तो दे देंगे 7,200 और एक को दे देंगे 3,600। तो 7,200 और 3,600 को ऐड करोगे तो कितना बनेगा आपका? ये बनेगा आपका 10,800। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? बाय नेट लॉस कितना हो जाएगा? 10,800। ठीक है, अब यहाँ कितना आ जाएगा आपका टोटल? अरे ये तो ज्यादा होएगा ना, 9,000 ये था और 10,800 ये था, 19,800 हो जाएगा ये, 19,800। और ये भी टोटल कितना हो जाएगा? 19,800, और ये भी कितना हो जाएगा? 19,800। और ये ग्रोस लॉस मिला है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। तो यहाँ क्या आता है? बाय नेट प्रॉफिट,
और नेट प्रॉफिट क्वेश्चन के अंदर है नहीं, तो हमारे पास क्या दे रखा है, टू नेट लॉस कितना दे रखा है, 19,800। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, नहीं देना है, दे भी नहीं सकते क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट दिया नहीं है और क्वेश्चन साइलेंट है। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, इस लॉस को ट्रांसफर करेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और पार्टनर कौन है, एक है बैट और एक है बॉल, ठीक है ना। किस रेशियो में, रेशियो दे रखी है 2:3, और टोटल अमाउंट कितना है, 1900। 1900 कितने से डिवाइड करोगे आप, 5 से डिवाइड करो इसको, 5 से, तो हर पार्ट में कितना आ जाएगा, हर पार्ट में आ जाएगा 2160 एक हिस्से में, और इसको कितने देने हैं, 2 हिस्से देने हैं, जो बैट को देने हैं 2 हिस्से, तो कितना आ जाएगा बैट के हिस्से में, 4320, ठीक है। और माइनस करो इसमें से, तो हमारे पास कितना बचेगा, ये 3 हिस्से जाएंगे ना इसको, 1900, 1900 था ठीक है ना, 1900 डिवाइड करो 5 से, तो कितना हिस्से आएगा, 1900 को अगर किससे था, 1900 डिवाइड करो 5 से, तो हर हिस्से में कितना आएगा, ये गलत लिख दिया हमने, यहाँ पर कितना आएगा, 3960 आएगा, ठीक है ना, एक हिस्से में आएगा 3960। और कितने हिस्से देने हैं बैट को, 2 हिस्से देने हैं, तो 2 हिस्से कितने बनेंगे, ये 7920 बनेंगे, 7920, 7920 बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसमें से माइनस करते हैं कितना, 19,800, ठीक है, तो देखते हैं हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास बचेगा 11,000, 11,880, दोनों को ऐड करते हैं तो कितने होते हैं, 19,800, और यहाँ भी कितना आ जाएगा, 19,800, यहाँ भी कितना आ जाएगा, 90,800, और ये लॉस है ट्रांसफर कर देते हैं पार्टनर में, ये किसका बना देते हैं, बैट का, और ये किसका बना देते हैं, बॉल का, और ये किसका बना देते हैं, बैट का, और ये किसका बना देते हैं, बॉल का। यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी, कैपिटल कितनी थी उनकी, 1,20,000 और 60,000, ठीक है, 1,20,000 और ये 60,000, ठीक है। और इनको से कितना प्रॉफिट लॉस से चार्ज करेंगे हम, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ठीक है, कितना आ जाएगा, 7,490, और यहाँ कितना आ जाएगा, 11,880, ठीक है, और यहाँ कितना लिखेंगे, 1,20,000, और यहाँ भी कितना लिखेंगे, 60,000, यहाँ कितना लिखेंगे, 60,000, और यहाँ कितना लिखेंगे, 1,20,000। अब यहाँ क्या लिखेंगे, टू बैलेंस सीडी कैरिड डाउन, तो क्या करोगे आप, 60,000 में से क्या माइनस करोगे, 11,880, ठीक है, तो मेरे पास आएगा 48,120। अगर हम माइनस करें किस में से, 1,20 में से माइनस कितना करें हम, 7,490, 400, ये 490 था, 420 था, ये 400, ये था 7,920, ये था 7,920, ठीक है, ये करेक्ट कर लेना, बार बार गलती हो रही है आज, 7,920, ठीक है, ये आएगा 7,920, इसमें से माइनस कितना करोगे आप, 7,920, ठीक है, तो मेरे पास कितना आएगा, मेरे पास आएगा 1,12,080। तो आपने ऐसे करेक्ट करके चलना है अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आए, लेकिन क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा था, सिर्फ आपसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए, तो ये क्वेश्चन का राइट आंसर बनता है। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सुझाव या कोई शिकायत है तो वीडियो के नीचे कमेंट करना ना भूलिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।